अंधविश्वास भौतिकवादियों का पहला दोष क्या है? अंध अविश्वास। दूसरा दोष क्या? अंधविश्वास। अंधविश्वास माने सामने विस्फोट हो रहा है, तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत विकास की परिभाषा क्रियान्वयन की विधा से सामने सब जगह विस्फोट हो रहा है। गोवंश का विलोप, वेदों का विलोप, ब्राह्मणों का विलोप, सतियों का विलोप, सत्यवादियों का विलोप, दानशीलों का विलोप, धर्म का विलोप, अर्थ का विलोप, काम का विलोप, मोक्ष का विलोप। ये क्या मैंने कह दिया? अरे पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन, क्या संबित जी, पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन जगत की रचना की जा रही है या नहीं? ये सब एटम आजकल वैचारिक बम है, कोई टिकेगा नहीं इसके सामने। कहाँ से बोल रहा हूँ? धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणी धराः, सात पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। एक श्लोक दूसरा, गोभीर विप्रश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते मही। सात उधर सात इधर कितने हो गए? 14। ये सब आत्मबम है क्या? ये है स्कंद पुराण का वचन गोभीर, ये है महाभारत का वचन। अब थोड़ा पूरे भौतिकवादियों का मुंह बड़े प्रेम से बंद करना हो तो क्या प्रयोग करेंगे बम का? धर्म सात, धर्म एक पुरुषार्थ में है या नहीं? काम एक पुरुषार्थ में है या नहीं? काल पुरुषार्थ चतुष्टय का साधक कौन है? काल। आगे क्या है? वसुर वासुकिरेव च, वसु और वासु कौन है? अर्थ के देवता, चल अचल संपत्ति के देवता। दो दो क्यों बताए गए? अर्थ नामक पुरुषार्थ के स्थान पर वसु और वासुकि का नाम क्यों लिया गया? चल अचल संपत्ति के देवता माने अर्थ पुरुषार्थ का नाम है वसु और वासुक। अनंत कपिलश्चैव, दो आचार्य अनंत माने शेषनाग, कपिल माने कपिल भगवान। मोक्ष के नाम पर दो आचार्यों का नाम ले लिया गया, पराविद्या पराविद्या, दोनों के विशेषज्ञ होने के कारण मोक्ष नामक पुरुषार्थ या सायुज्यादि मोक्ष के और उधर कैवल मोक्ष के विधायक हो। तब सब क्या हुआ? पांच चीज हैं तो सात, उनका अंतर्भाव क्या कर देंगे? धर्म अर्थ काम मोक्ष और काल, ये पांच पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। अब थोड़ा विचार कीजिए, प्रबल बहुमत से पूरे विश्व में धर्म नामक पुरुषार्थ की तिलांजलि दी गई है, प्रगति के मार्ग में अवरोधक मानकर क्या हुआ? दोहरा हो भाई, प्रबल बहुमत से, प्रबल माने हम लोगों को छोड़ के, ठीक है, विश्व में प्रबल बहुमत से ईश्वर मोक्ष की तिलांजलि दे दी गई है, प्रगति के मार्ग में परिपंथी समझकर दो पुरुषार्थ को तो जानू में डाल दिया, किसके ऊपर फिदा होकर लट्टू होकर? अर्थ और काम, इसी पर विचार कर लें, पूरे विश्व में अर्थ नामक पुरुषार्थ का विलोप हो रहा है या वृद्धि हो रही है? कठिन है लेकिन बात सच्ची क्या है? अच्छा, काम पिशाच वृत्ति, इसी का नाम काम है क्या? काम के नाम पर पिशाच वृत्ति पल रही, इसका नाम काम है क्या? धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोषु भर्तर सभा, काम का अर्थ फल क्या होगा? कमनीय जीवन क्या? ये काम, काम के नाम पर काम नामक पुरुषार्थ का विलोप हो रहा है या नहीं? अर्थ नामक पुरुषार्थ का विलोप हो रहा है नहीं? जिन दो पुरुषार्थों पर लट्टू होकर फिदा होकर तुमने धर्म और मोक्ष की तिलांजलि दी, वो सिद्ध करो कि अर्थ नामक पुरुषार्थ विश्व में टिका हुआ है या विदा हो रहा है? काम नामक पुरुषार्थ, इसका मतलब क्या है हुआ? पुरुषार्थ अच्छा, काल क्या हुआ? जिस समय जिस काम, मुहूर्त के बिना कोई काम होगा यज्ञ इत्यादि, जिस समय जो काम, अर्थ साधना, काम साधना, ये सब जिस समय जिस कार्य का संपादन होना चाहिए 24 घंटे विद्युत प्रवाह आदि के कारण, उस समय उस कार्य का संपादन नहीं होता है, तो काल जो
पृथ्वी का धारा का कुपित हो गया या नहीं। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि काल पर निर्भर है। काल को तो तुमने विभाजक रेखा, दिन और रात्रि की विभाजक रेखा विद्युत के कारण विलुप्त हो गई, इसलिए न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है। पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन मर्त्यलोक की संरचना को तुम विकास मानते हो तो अंधविश्वासी हो या नहीं। परिणाम पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं केंद्रित हो रहा है। अब इस ढंग से बोलेंगे तो कौन सा नास्तिकवाद टिकेगा जी।